अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का हमें एजुकेशन का लेक्चर नंबर 5 करना है। 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, आज हमने लेक्चर नंबर 5 करना है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछला बताऊंगी, लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या रीडिंग की थी। हमने ये देखा था कि आम तालीम के बारे में पढ़ा था हमने कि आम तालीम से क्या मुराद है, यानी कि ऐसी तालीम जिसके तमाम स्कूल कॉलेज और दूसरे तालीमी इदारे करते हैं, और ऐसी तालीम हासिल करने के लिए कोई भी शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं हो जाता, यानी कि आम तालीम जो है वो किसी काम में हमारे मददगार साबित नहीं हो सकती जब तक कि कोई स्पेशलाइजेशन या फिर किसी शोबे से मुतलिक तालीम जब तक हासिल ना की जाए। फिर उसके बाद हुकूमत की कोशिशों के बारे में बताया था कि हुकूमत ने ख्वानगी की शरह को कम करने के लिए, यानी कि ख्वानगी की शरह जो है उसको किस नतीजे किस कितने फीसद तक पूरा कर दिया है, यानी कि 62% तक उन्होंने 62% तक जो है हुकूमत ने शरह ख्वानगी को कर दिया है, यानी कि ना पढ़ अनपढ़ लोग जो हैं वो कम होकर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए हैं। और इसमें भी बात तालीमी पॉलिसियों में शरह ख्वानगी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन को बरकरार करने की सिफारिशात भी पेश की गई थी। फिर हमने मजहबी तालीम के बारे में कल पढ़ा था कि रिलीजियस एजुकेशन जो है वो उसके लिए हमारे लिए इसका क्या यानी कि मकसद है। आम तालीम के लिए सरकारी और प्राइवेट और तालीमी इदारों के मुतवाजी जो हैं यानी कि उन्हीं के बराबर उन्हीं के इक्वल जो है मजहबी मदारस भी कायम किए गए हैं, उनका भी एक वसी निज़ाम मौजूद है। वहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि मजहब से मुतलिक वहाँ तालीम दी जाए, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनमें यानी कि तरक्की होती जा रही है और उनमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश के मजहबीन भी आ रहे हैं, साइंस के मजहबीन भी आ रहे हैं, और अब यहाँ तक उन्हें कोशिश हो रही है कि वहाँ पर हुकूमत जो है कंप्यूटर की तालीम भी मजहबी मदारस में शुरू कर दें, और इस तरह यानी कि उसको भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको भी मज़ीद तरक्की दी जा रही है। आज हमने कहा है तालीम के मदारिज, यानी कि तालीम के कितने मदारिज हैं, स्टेजेज ऑफ एजुकेशन। तालीम के मदारिज से मुराद तालीम के ऐसे दौरान ये हैं जिनके मुताबिक तलबा मुख्तलिफ सतहों पर तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान में तालीम के 10 ज़ेर मदारिज हैं, यानी कि ऐसे जो है मुख्तलिफ सतह पर जो है तलबा जो तालीम हासिल करते हैं उसको तकसीम कर दिया गया है, 3 उसमें दर्जे बना दिए गए हैं, 3 दर्जों में तकसीम कर दिया गया है। सबसे पहले क्या है, इब्तदाई तालीम है। इब्तदाई तालीम क्या थी, यानी कि क्लास 1 से लेकर 5-8 क्लास तक जो थी उसको जो है इब्तदाई तालीम में शुमार किया जाता है। फिर उसके बाद सालवी तालीम, सालवी तालीम भी आप लोगों ने रीडिंग की थी, मैंने आप लोगों को समझाया था कि सालवी तालीम जो है ये इसके बारे में भी यानी कि जो आपकी कॉलेज लेवल यानी कि मैट्रिक के बाद कॉलेज लेवल जो होता है वो सालवी तालीम, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक की तालीम जो होती है वो सालवी या एलिमेंट्री में आ जाती है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है आला तालीम, यानी कि पहले मैट्रिक और मैट्रिक के बाद फिर जो है सालवी तालीम आ जाती है, एलिमेंट्री तालीम आ जाती है, उसके बाद जो है आला तालीम आ जाती है, हायर एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर आती है, कॉलेज के बाद के यूनिवर्सिटी लेवल पे तालीम आ जाती है, उसको आला तालीम या फिर हायर एजुकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम क्या है, इब्तदाई यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें पहली या पहली से 8वीं जमात तक की तालीम जो है एलिमेंट्री तालीम या इब्तदाई तालीम कहलाती है, और सातवीं तालीम को मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री में जो है फर्स्ट क्लास 1 से लेकर 8 तक आ जाता है, फिर उसके बाद जो कॉलेज लेवल तक आ जाती है तालीम उसे सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि उसको जो है सातवीं तालीम या सेकेंडरी इस तरह कहेंगे, ठीक है। तो इसकी तकमील के लिए स्कूल में दाखिले के बाद 8 साल दरकार होते हैं, यानी कि एक तालिब इलम को जो है एलिमेंट्री तालीम के लिए 8 साल चाहिए होते हैं, क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक जो है पूरे 8 साल जो है वो तालीम मुकम्मल करनी पड़ती है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्कूल अब भी 5वीं जमात तक हैं, यानी कि अक्सर आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल देखे हुए, छोटे लेवल पे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं जो कि 5 क्लास तक होते हैं, क्लास 1 से लेकर 5 क्लास तक होते हैं, जिनको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, यानी कि ऐसे स्कूल जो कि 5वीं क्लास तक होते हैं उसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं। तालीमी पॉलिसी के मुताबिक 5 साल वाले स्कूलों को 8 साल की तालीम वाले
इब्तदाई स्कूल में तब्दील किया जा रहा है, यानी कि अब हुकूमत की तरफ से तालीमी पॉलिसी जो शुरू की गई है 2009 में शुरू की गई थी जो तालीमी पॉलिसी, उसमें बताया गया है जिसके मुताबिक क्या कर दिया गया कि जो 5 साल वाले स्कूल हैं उनको 8वीं जमात तक बना दिया गया है, यानी कि उनको तब्दील कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया है 8 क्लास तक। अब यानी कि वो प्राइमरी से मिडिल स्कूल में उसको शुमार किए जाएंगे, जो 8वीं तक की तालीम होती है उसको अब मिडिल कहा जाएगा। अमूमी तालीम और शराय पालगी में इजाफे के लिए 1वीं से 3वीं जमात तक के तलबा के लिए बाद जगहों पर मस्जिद स्कूल काम कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे मुमकिन नहीं है कि स्कूल ये काम कर सके वहाँ मस्जिद भी साथ स्कूल काम इसका काम कर रही है। शराय पालगी में इजाफे और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ताकि अनपढ़ लोगों की तादाद कम हो सके, एज वेल एज पॉसिबल जो अनपढ़ लोग हैं वो कम हों और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों। तो इसके लिए तालीम को जिस तरीके से भी हो सकता है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो स्कूलों के ज़रिए या फिर मसाजिद के ज़रिए। इब्तदाई तालीम किसी भी मुल्क के निज़ाम तालीम की बुनियाद होती है। इब्तदाई तालीम यानी कि 1वीं से 8वीं जमात तक की जो तालीम है वो किसी भी मुल्क के निज़ाम तालीम की बुनियाद होती है, जड़ होती है, यानी एक जड़ पौधे की जब पौधा ज़मीन में लगाया जाता है तो उसकी जड़ें ज़मीन में फैलती हैं, तो आगे वो पौधा बढ़ता है, फूलता है, उसकी शाखें निकलती हैं। तो इसी तरह से जब एक आगाज़ कर दिया जाता है तालीम का, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तालीम जैसे जैसे हम हासिल करते जाएंगे आगे आगे वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा, यानी कि उसकी शाखें उसके फिर उसके यानी कि 8वीं जमात के बाद मैट्रिक हो जाएगा, मैट्रिक के बाद फिर आपकी सेकेंडरी तालीम शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन शुरू हो जाएगी यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक आ जाएगी, और फिर उसके बाद एक इंसान कामयाब तरीन इंसान जो होता है किसी काबिल हो जाता है कि बहुत आला पोस्ट पे वो जॉब कर सके। और इसको शराय खानगी में इजाफे के लिए बहुत अहम समझा जाता है, यानी कि इब्तदाई तालीम को शराय खानगी में इजाफे के लिए यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा करने के लिए जो हमारी इब्तदाई तालीम है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास की तालीम को शराय खानगी में इजाफे के लिए बहुत ही अहम समझा जाता है, यानी कि अगर कोई 1 क्लास तक पढ़ गया तो फिर अब अनपढ़ लोगों में शुमार नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने के काबिल होगा, कुछ हिसाब किताब माइनस प्लस वाला जो यानी कि हमें करने पड़ते हैं हिसाब किताब लेन देन के सिलसिले में, तो उस काबिल भी हो जाएगा। बल्कि इसके काम कौमी इतिहाद और समाजी बहबूद के लिए इब्तदाई तालीम इंतहाई अहम है, यानी कि मुल्क की मजबूती इससे काम होता है मजबूती, और कौमी इतिहाद यानी कि आपस में मिलजुल के काम करना, और दूसरा समाजी बहबूद यानी कि हमारे समाज की भलाई के लिए फलाह व बहबूद के लिए ये जो है इब्तदाई तालीम इंतहाई अहम है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन मकासद के असूल के लिए हर मुल्क अपने तलबा की इब्तदाई तालीम पर तस्वीर सरमाया खर्च करता है, यानी कि इब्तदाई तालीम के लिए हर मुल्क जो है अपनी जो है इब्तदाई तालीम पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च करता है, तस्वीर यानी कि बहुत ज़्यादा रकम खर्च करता है। इब्तदाई तालीम तालीमी सीढ़ी का पहला सीधा है, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं स्टेप बाई स्टेप, तो जो सबसे पहला जिस कदम रखते हैं जिस सीढ़ी के पहले सीने पे कदम रखते हैं पहले स्टेप पर कदम रखते हैं, तो इस तरह यानी कि इब्तदाई तालीम को यूं शुमार किया गया है कि हमने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ऊपर बुलंदियों पे हमने जाना है, लेकिन ये उसका पहला हिस्सा है जहाँ पे हमने कदम रखा है, यानी कि इब्तदाई तालीम को सीढ़ी का पहला सीना करार दिया गया। इस दर्जे में तलबा की तादाद दूसरे तमाम दर्जों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। अब आमतौर पर देखा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें भी तलबा जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी एक अहमियत ये भी है कि तलबा इसी दर्जे में तालीमी अदादार और रवैये सीखते हैं, यानी कि यही से हमारी जो है एक तरबियत होती है। इस दर्जे के तलबा अपने असातिज़ा को इंसानी किरदार का बेहतरीन नमूना समझते हैं, वो अपने घर से जब निकलते हैं स्कूल में क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप और बहन भाई और रिश्तेदारों को देखा होता है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं वहाँ अपने असातिज़ा से तालीम हासिल करते हैं तो अपने साथ को इंसानी किरदार का बेहतरीन नमूना समझते हैं और उसके किरदार की नकल भी करते हैं। अब यानी कि उठने बैठने बोलने में जिस तरह वो अपने उस्ताद को देखते हैं कोशिश करते हैं वो भी सेम वैसा ही करें, और उनको ये आदतें यानी कि बेहतर लगती हैं, कुछ चेंज लगती हैं अपने घर वालों से। इसलिए इब्तदाई तालीम के साथ का किरदार बहुत दुर्लभ होना चाहिए।
यानी कि जो पहली क्लास से लेकर आठवीं जमात तक के जो साथ हैं उनका किरदार है बहुत बुलंद होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने उन्हीं से सीखना है। तो इसलिए जिस तरह वो अपने आप को मेंटेन रखेंगे, अच्छी जुबान इस्तेमाल करेंगे, प्यार मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे भी वैसा ही रवैये जो है इख्तियार करेंगे। अब उसके बाद हम सातवीं तालीम की तरफ आते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन। तालीमी सातवीं तालीम का मजा 4 साल का है, जो नौवीं से बारहवीं जमात का है, यानी कि अगले सातवीं सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए 4 साल का अर्सा दरकार होता है। इब्तदाई तालीम के लिए 8 साल पहली जमात से लेकर आठवीं जमात तक, और सातवीं जमात के लिए 4 साल चाहिए होते हैं, जो कि 9th क्लास से शुरू होते हैं और 12th क्लास तक यानी सेकेंड ईयर तक जाते हैं। बाद हाई स्कूलों में 11वीं और 12वीं जमात शामिल करके 9वीं से 12वीं जमात तक के हिस्से को अलग कर दिया गया है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 9th और 10th को अलग कर दिया गया है, और उसी में ही आगे 1st ईयर और 2nd ईयर भी शुरू कर दी गई है, तो उनको यानी कि और पहली से 8वीं जमात की इब्तदाई तालीम का हिस्सा अलग कर दिया गया है, यानी कि उनको डिवाइड कर दिया गया है कि उनका पोर्शन जो है इतना जो है वो पहली से 8वीं जमात तक है, और इतना 9th से 9th 10th का है, और इतना 1st ईयर और 2nd ईयर का है। तो इस तरह से उनको डिवाइड कर लिया गया है। इस स्कीम के तहत चलने वाले स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है। ज़्यादातर जो है 1st ईयर 2nd ईयर कॉलेज से स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ स्कूल भी हैं जिनको के अब तरक्की करके देकर उनको यानी कि 2nd ईयर तक कर दिया गया है, तो ऐसे स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है। इब्तदाई तालीम के मुकाबले में सातवीं तालीम के दर्जे के मजामीन ज़्यादा ग्रुप बना दिए गए हैं, यानी कि उनके मजामीन के ग्रुप भी और ज़्यादा बना दिए हैं, ताकि तलबा पेशा वाराना या आला तालीम के इदारों में रोजगार के स्कूल के लिए दाखिला ले सके, यानी कि उनको यही पर हायर सेकेंडरी स्कूल में ही इस तरह की तालीम दी जाए कि वो अपने पेशे से जो पेशा वो तैयार करना चाहते हैं उससे मुतलिक वो आगे दाखिला ले सके। इस पर 11वीं और 12वीं जमात के लिए तलबा हायर सेकेंडरी स्कूलों या कॉलेजों में दाखिला ले सकती हैं। सातवीं तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सातवीं तालीम इब्तदाई तालीम और आला तालीम के दरमियान एक पुल का काम करती है देती है, यानी कि सातवीं तालीम जो है सेकेंडरी एजुकेशन 9th 10th और 1st ईयर 2nd ईयर ये जो है ये इब्तदाई तालीम आठवीं पहली से लेकर आठवीं तक और आला तालीम यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे उसके दरमियान में एक पुल का काम करती है, यानी कि स्कूल से निकल के फिर उन्होंने 1st ईयर 2nd ईयर तक की तालीम हासिल की, उनको क्रॉस करके भी आगे वो यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं। तो इस तरह उसको एक पुल का नाम दिया गया है कि पुल का काम करते हैं। सातवीं तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सातवीं तालीम इब्तदाई तालीम और आला तालीम जो है इनको यानी कि पुल का काम देते हैं। सातवीं तालीम के बाद तलबा पेशा वाराना आला तालीम के दूसरे इदारों में दाखिला के अहम होते हैं, और सातवीं तालीम आला और पेशा वाराना तालीम की बुनियाद करार दी गई है। मज़ीद तालीम जारी ना रखने वाले तलबा के लिए मज़ाते खुद एक मंजिल की हैसियत रखती है, यानी कि जो सातवीं तालीम है एक मंजिल की हैसियत रखती है। अमूमन सातवीं तालीम के मराहल में तलबा की नज़रियाती और पेशा वाराना ज़िंदगी का रुख मुतय्यन हो जाता है, यानी कि सातवीं तालीम जो है सेकेंडरी एजुकेशन इसी के दौरान ही तलबा ये तय कर लेते हैं कि मैंने आगे किस फील्ड में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, या मैंने टेक्निकल में जाना है, कहाँ क्या करना है, यहीं से वो अपना एक मकसद बना लेते हैं कि हमें ये हमारा मकसद है और इसी के मुताबिक हमने आगे तालीम हासिल करनी है। फिर इसके बाद ये आला तालीम हायर एजुकेशन सातवीं तालीम मुकम्मल करने के बाद तलबा आला तालीम या पेशा वाराना तालीम के इदारों में दाखिला लेते हैं, यानी कि 1st ईयर 2nd ईयर के बाद आला तालीम के लिए पेशा वाराना तालीम के इदारों में दाखिला लेते हैं, यानी कि आगे फिर वो ऐसे इदारों में दाखिला लेते हैं जहाँ पे उनको ऐसी तालीम मिल सके जो कि आगे फिर मुस्तकबिल में उनके लिए यूजफुल हो। नए तालीमी निज़ाम के तहत इंटरमीडिएट के बाद 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जा चुके हैं, यानी कि नया तालीमी निज़ाम जो है उसके तहत इंटरमीडिएट के बाद 2 साल के अंदर डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जा सके जो कि बैचलर डिग्री के बराबर हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबों में BSc के 4 साल प्रोग्राम भी शुरू किए जा चुके हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर तसव्वुर करती हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत से शोबों में डॉक्टरेट के मरहले तक की तालीमी सहूलतें मौजूद हैं। आला तालीम हासिल करने वाले लोग किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बनते हैं और अपने मुल्क की साइंसी और माशी तरक्की की रफ्तार तेज कर सकते हैं। आला तालीम से फारिग होने वाले लोग ही जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई और क़यादत का किरदार बनते हैं,
और उनको तहकीक के लिए तजर्बागाहें, लाइब्रेरियाँ और दूसरी सहूलतें मुहैया की जाती हैं। कौमी इत्तेहाद माशरे और सकाफ़ती तरक्की के लिए आला तालीम बुनियादी किरदार अदा कर सकती है, यानी कि आला तालीम जो है कौमी इत्तेहाद और माशी और सकाफ़ती तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। यानी कि अच्छी तालीम हासिल होगी, लोग अच्छे अच्छे यानी कि जॉब पे आएंगे, अच्छी पोस्ट पर आएंगे और पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा होगा और हमारे मुल्क से गुरबत का खात्मा होगा। तो इस तरह से ये जो है माशी तरक्की और उसमें सकाफ़ती तरक्की में मददगार साबित होगी। अब बेटा मैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ, बोर्ड पर लिख रही हूँ, साथ में उसके आंसर बता देती हूँ, आप लोग माफ कर लीजिएगा। सवाल नंबर एक है, पाकिस्तान में तालीम के कितने मदारिस हैं? सवाल नंबर दो है, इसमें आ जाए कि पाकिस्तान में तालीम के तीन मदारिस हैं, इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम और आला तालीम। इसका आंसर यहाँ पे इसमें आ जाएगा, पेज नंबर 42 है। सवाल नंबर दो है, पाकिस्तान में ज्यादातर स्कूल किस जमात तक हैं? इसका जवाब बेटा देखिएगा इसी में ही है, इब्तदाई तालीम की सेकंड टाइम में देखिए पाकिस्तान के बहुत ज्यादा स्कूल यहाँ से लेकर थर्ड टाइम में आ रहे हैं कि कई स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ तक इसका आंसर है सवाल नंबर दो का। सवाल नंबर तीन है, किसी भी मुल्क के निजाम तालीम की बुनियाद क्या है? किसी भी मुल्क के निजाम तालीम की बुनियाद क्या है? इसका जवाब देखिए इसमें आ जाएगा, इब्तदाई तालीम में आ जाएगा। इब्तदाई तालीम किसी भी मुल्क के निज़ाम की बुनियाद होती है, यहाँ से लेकर और अहम समझा जाता है, उसके नीचे वाली इसी लाइन में, एक ही लाइन में इसी और अहम समझा लाइन है इसकी आंसर। इसके बाद सवाल नंबर चार है, इब्तदाई तालीम के साथ का किरदार कैसा होना चाहिए? इब्तदाई तालीम के असातिज़ा का किरदार कैसा होना चाहिए? अब इसका जवाब दीजिएगा इसी पेज पर है, थर्ड लास्ट इब्तदाई तालीमी सीढ़ी का पहला जीना, यहाँ से लेकर और जहाँ पे मेरा नाम खत्म हो रहा है, असातिज़ा के किरदार बहुत बुलंद होना चाहिए, यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद सवाल नंबर पाँच है, सानवी तालीम किसे कहते हैं? सानवी तालीम या सेकेंडरी एजुकेशन किसे कहते हैं? इसके जवाब में यहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट लाइन है पेज नंबर 43 में है, फर्स्ट लाइन है तालीमी सानवी तालीम, यहाँ से लेकर थर्ड लाइन में हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आला तालीम यानी कि हायर एजुकेशन से क्या मुराद है? आला तालीम किसे कहते हैं? इसका आंसर लास्ट पैराग्राफ में सातवीं आला तालीम जो है इसके पैराग्राफ है, बस लाइन सातवीं तालीम मुकम्मल करने के बाद यहाँ से लेकर थर्ड लाइन में डॉक्टरेट के मरहले तक तालीम की सहूलतें मौजूद है, यहाँ तक इसका आंसर है। अब बेटा इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छी तरह से इसकी रीडिंग को याद कीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से समझ के आपने लिखना है, ताकि रीडिंग को भी अच्छी तरह से समझना है, ताकि इसमें से अगर एमसीक्यूज जो है बल्कि आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आगे के मैच भी दिए गए हैं, एंटी क्रॉस भी दिए गए हैं और एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, कॉलम मैच भी है, तो वो रीडिंग
अच्छी तरह करेंगे तो ही आप उसको कर सकेंगे। ये आपको मैं बाद में करवाऊंगी। और उसमें से देखिएगा सवाल हमने जो कुछ कर लिए हैं, बानिए पाकिस्तान लॉन्ग लिस्ट देखिएगा, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म ने पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम क्या पैगाम दिया, ये तकरीबन मैं आपको ये करवा चुकी हूँ सारे क्वेश्चन जो हैं। लेकिन फिर भी देखेंगे अगर जो इसमें से ना कम्प्लीट हुए